नमस्कार, आप न्यूज़ पीआर देख रहे हैं। दरअसल बिहार में सिपाही भर्ती में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। ये घोटाला किसी और में नहीं बल्कि फिटनेस के मामले में सामने आया है, जहां जिन कैंडिडेट्स को अनफिट घोषित कर दिया गया था उन्हीं कैंडिडेट्स को 3 महीने बाद फिर से फिट घोषित कर दिया गया और दिक्कतें ऐसी थी जो कभी ठीक भी नहीं हो सकती थी। अब मेडिकल जाँच पर जाँच कमेटी बैठी है, जांच हो रही है कि ये घोटाला आखिर हुआ तो हुआ कैसा। इसके बारे में पूरी जानकारी आपको बताते हैं विस्तार। दरअसल बिहार में सिपाही भर्ती में फिटनेस घोटाला मामला सामने आया है। एक बार जिन कैंडिडेट्स को अनफिट घोषित कर दिया गया, 3 महीने बाद उन्हीं को फिट कर दिया गया। एक बार अनफिट और दोबारा फिट करने के कारणों की जाँच में बड़ा खुलासा हुआ। केंद्रीय चयन पार्षद ने इसके लिए मेडिकल जाँच पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं और अब उच्च स्तरीय फिटनेस जांच का आदेश दिया गया है। अब पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की अधीक्षक की अध्यक्षता में बोर्ड बनाकर कैंडिडेट्स की मेडिकल जांच करवाई जाएगी। केंद्रीय चयन पार्षद यानी कि सिपाही भर्ती ने 2019 में सिपाही भर्ती निकाली थी। चलंत दस्ता के पद पर चयनित सिपाही अभ्यर्थियों की चिकित्सीय जाँच असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी पटना की अध्यक्षता में गठित बोर्ड में 15 जून 2021 एवं 26 जुलाई 2021 से 29 जुलाई 2021 के बीच कराई गई थी। बोर्ड की जांच में 42 कैंडिडेट्स को विभिन्न चिकित्सा कारणों के कारण अनफिट कर दिया गया था। बाद में 44 अनफिट कैंडिडेट्स में से 35 ने बोर्ड को चैलेंज कर दिया। जांच से असंतोष व्यक्त करते हुए अपने फिटनेस चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ खुद को पूरी तरीके से फिट होने का दावा किया। इसके बाद विभाग ने 5 दिसंबर 2021 को सिविल सर्जन पटना को 35 कैंडिडेट्स का फिर से मेडिकल जांच करवाने को कहा। चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि 30 दिन बाद ही दोबारा हुई मेडिकल जांच में असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा उन्हीं 35 अनफिट कैंडिडेट्स में से 32 को फिट घोषित कर दिया गया। कुल 35 कैंडिडेट्स में से मात्र एक को अनफिट किया गया जबकि 2 को अनुपस्थित बताया गया। बिहार सरकार के परिवहन विभाग के उप सचिव के 15 दिसंबर को जारी आदेश में गड़बड़ी का खुलासा हो गया है। जांच में कहा गया है कि यह जांच विरोधाभासी प्रतीत हो रही है, जिसे कारणों से अनफिट किया गया वह कभी ठीक ही नहीं हो सकते हैं। इसमें कलर विजन और आई विजन को भी ठीक नहीं किया जा सकता। पटना मेडिकल कॉलेज में ऐसे कैंडिडेट्स की जाँच में और भी चौंकाने वाला खुलासा हुआ। दरअसल इस संबंध में पटना की सिविल सर्जन डॉक्टर विभा कुमारी भी अनफिट को फिट करने का कोई वाजिब कारण नहीं बता पाई। बोर्ड के अध्यक्ष होने के बाद भी उन्हें गैर जिम्मेदाराना बात कही। उनका कहना है कि बोर्ड से बात कर ली जाए। जब बोर्ड का अध्यक्ष बताकर जवाबदेह बताया गया तो जवाब मांगा गया तो उन्होंने कहा कि अभी पता नहीं है, बाद में बताएगी। आपको गड़बड़ियों को बताते हैं कि जिनके कारण पहले अनफिट किया गया फिर उन्हें फिट किया गया। ये गड़बड़ियाँ हैं डिफेक्टिव कलर विजन, दोनों घुटनों का आपस में सटना, आंखों की साइट ठीक नहीं होना, राइट साइड आई हाइड्रोस्केल, लेफ्ट साइड आई हाइड्रोस्केल, डिफेक्टिव विजन, कान की समस्या, सुनाई कम देना। बता दें कि जांच में कई सारे खुलासे सामने आए हैं जिनमें इन कैंडिडेट्स को पहले अनफिट बताया गया, उसके बाद उन्हीं कारणों को फिट कर दिया गया, जिसकी अब मेडिकल जाँच हो रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ पीआर के साथ और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।